नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अनमोल स्टडी ऑनलाइन। साथियों, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि कोरोना वायरस से जुड़ी अन्य कई सवाल आपके बीच में लेकर कल आऊंगा, तो आज आपके बीच में लेकर आ चुका हूं कोरोना वायरस से जुड़ी कई ऐसे सवाल जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। साथियों, आज का इस वीडियो में आप देखेंगे कि दुनिया को पहली बार इस जानलेवा कोरोना वायरस से आगाह करने वाले व्यक्ति कौन थे। दूसरे नंबर पे आप देखिएगा कोविड-19 को महामारी घोषित किसने किया। थर्ड नंबर पे आप देखिएगा भारत में अब तक कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। और आगे आप देखिएगा भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज कौन हुआ। तो साथियों, इसके अलावा अन्य कई सवाल आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का इस वीडियो का पहला सवाल आपके बीच में लेकर आ चुका हूं, कोरोना वायरस का मामला सबसे पहले किस देश में आया। जवाब होगा दोस्तों, चीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस का मामला सबसे पहले चीन में आया। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कोरोना वायरस सबसे पहले चीन के किस स्थान में देखा गया। जी हां दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये। दोस्तों, कोरोना वायरस चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब युहान नामक शहर में सबसे पहले देखा गया। दोस्तों, कहा जाता है दोस्तों चीन की युहान लैब में इबोला, निपाह, सॉर्स और दूसरे घातक वायरसों पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक अपने माइक्रोस्कोप में एक अजीब सा वायरस नोटिस कर रहे थे। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा गया था। इसके जेनेटिक सीक्वेंस को गौर से देखने पर पता चल रहा था कि ये चमगादड़ के करीबी हो सकती है। वैज्ञानिक हैरान थे क्योंकि इस वायरस में वो सोर्स वायरस के साथ समानता को देख पा रहे थे जिसने 2002-2003 में चीन में महामारी ला दी थी और दुनिया भर में 700 ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये बताया गया था कि सांस छूने और संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से फैलता है, लेकिन तब चीन इस वायरस को छुपा ले गया था। तो दोस्तों, देखा आपने कोरोना वायरस चीन के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी नेशनल बायोसेफ्टी लैब युहान नामक शहर में। आगे देखते हैं दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज कहां देखा गया। दोस्तों, युहान के सी फूड मार्केट में काम करने वाली महिला का नाम वेई बताया जा रहा है जो युहान के सी फूड मार्केट में जिंदा श्रिम्स बेचती थी। वे को ही पहली कोरोना वायरस मरीज कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक 17 नवंबर को युहान की राजधानी हुबेई में कोरोना वायरस से संक्रमित जिस मरीज का पता चला था उसे ही कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मरीज बताया गया है और उसकी उम्र 55 साल थी। दोस्तों, आगे देखते हैं दुनिया को पहली बार इस जानलेवा कोरोना वायरस से आगाह करने वाली व्यक्ति कौन थी। जी हाँ दोस्तों, दुनिया को सबसे पहले इस जानलेवा कोरोना वायरस की जानकारी देने वाली व्यक्ति का नाम क्या था। दोस्तों, दिसंबर 2019 के पहले सप्ताह में डॉक्टर ली वेन लियोंग के अस्पताल में चीन के युहान में स्थानीय सी फूड मार्केट से करीब 7 मरीज पहुंचे। इन मरीजों के लक्षण देखकर ही डॉक्टर ली को समझ में आ गया कि ये सभी के सभी किसी अनजान घातक वायरस के शिकार हो चुके हैं। ये वही डॉक्टर ली वेन लियोंग थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार इस जानलेवा वायरस से आगाह कराया था। दोस्तों, उन्होंने फौरन इस बीमारी के बारे में दूसरे डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया था। दोस्तों, आगे हम देखते हैं कोरोना वायरस के बारे में सबसे पहले जानकारी देने वाले डॉक्टर ली वेन लियोंग की मौत कब हुई। दोस्तों, 7 फरवरी 2020 की रात करीब 2:58 पर डॉक्टर ली वेन लियोंग की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक डॉक्टर ली 12 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थी और 30 जनवरी को पता चला कि वो कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। चीन ने कहा कि उन्हें बचाने की कोशिश हुई लेकिन बचाया नहीं जा सका। युहान सेंट्रल हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट में कहा कि डॉक्टर ली की मौत 7 फरवरी की रात करीब 2:58 पर हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कि कोरोना वायरस की जानकारी देने वाले
व्यक्ति ली वेन लियांग खुद कोरोना वायरस के संक्रमण में आ गए और वे इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गई। दोस्तों आगे देखते हैं कोविड 19 को महामारी घोषित किसने किया। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को महामारी घोषित किसने किया। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इस खतरनाक कोविड 19 को महामारी घोषित कर दिया है। दोस्तों आगे हम देखते हैं भारत में अब तक कितने लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। दोस्तों भारत में अब तक 2906 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, ये आज का ताज़ा रिपोर्ट है। आगे देखते हैं दोस्तों भारत में अब तक कितने लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों भारत में अब तक 77 लोगों की कोरोना वायरस से मृत्यु हो चुकी है, आज दिनांक 4 अप्रैल की बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच में लेकर आ चुका हूँ, भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज कौन हुआ। जहाँ दोस्तों भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज कौन हुआ और किसे देखा गया। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज रोहित दत्ता हुए। दोस्तों वे दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन दोस्तों किस्मत की बात है कि वे अभी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। दोस्तों आगे देखते हैं भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे कम उम्र का मरीज। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम उम्र का मरीज कौन है। साथियों केरल में 3 साल के एक बच्चे में कोरोना वायरस का संक्रमण पाया गया है। माना जा रहा है कि ये बच्चा भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सबसे कम उम्र का मरीज है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल आपके बीच लगातार एक से बढ़कर एक एजुकेशनल और करंट अफेयर से संबंधित वीडियो लाता रहा है और हमेशा लाता रहेगा। कोरोना है जो आया, है चूर की ये माया, कोई